हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक SN1 रिएक्शन काइनेटिक्स एंड आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड के बारे में, जो कि एल्काइल हैलाइड सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है और SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था SN1 रिएक्शन होती क्या है, SN1 रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, वो रिएक्शंस कितने स्टेप में होती है, रिएक्शन का रेट कब कब घटता है कब बढ़ता है। अगर वो वीडियो आपको देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे SN1 रिएक्शन काइनेटिक्स में होता क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले रखा है समझाने के लिए SN1 रिएक्शन काइनेटिक्स को, जो कि थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल है, क्योंकि जो आपकी SN1 रिएक्शन होती है वो सबसे तेज थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड में होती है, उसके बाद सेकेंड डिग्री, फिर फर्स्ट डिग्री। तो थर्ड डिग्री में सबसे तेज होती है, इसीलिए हमने एग्जाम्पल थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड का लिया है। अब देखिए, सबसे पहले होता क्या है, स्टेप को समझते हैं। SN1 रिएक्शन में पहले स्टेप में होता क्या है कि ये जो सी और सीएल के बीच का बॉन्ड है ये ब्रेक होता है। कब? जब हम सॉल्वेंट के उपस्थिति में इसको लाते हैं, यानी कि अगर हम कोई भी सॉल्वेंट, जैसे सॉल्वेंट यूज होता है आपके SN1 रिएक्शन में, वाटर है, जैसे सॉल्वेंट यूज हुआ, जब हम वाटर में थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड को डिजॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्लोरीन मॉलिक्यूल या क्लोराइड फॉर्म में रिमूव होगा। क्लोरीन मॉलिक्यूल क्लोराइड फॉर्म में रिमूव होता है, जिसकी वजह से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। पहली स्टेप जो होती है सबसे स्लोएस्ट स्टेप होती है, इसी स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिएक्शन की रेट स्लो स्टेप है, इसी वजह से इसी स्टेप में ही हम रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे देखिए, आपका कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो चुका है, यहाँ पे Cl निगेटिव आयन रिमूव हुआ है, और उसके अगले स्टेप में क्या होता है, अगला स्टेप यहाँ से शुरू होता है। अगले स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल होती है, वो न्यूक्लियोफाइल आपके कार्बोकेटायन पे अटैक करती है, कार्बोकेटायन के कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी। न्यूक्लियोफाइल का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो फ्रंट से भी अटैक करता है और रियर से भी अटैक करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्बोकेटायन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होती है, और जो आपका न्यूक्लियोफाइल का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे अटैक कर लेता है। अटैक करते ही आपकी तुरंत सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन जाता है, और इस ये जो आपकी स्टेप टू होती है वो बहुत फास्ट स्टेप होती है, बहुत जल्दी से होती है। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होती है और स्टेप टू फास्ट होती है। फास्ट होने का रीज़न पता चला है क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है और आपका न्यूक्लियोफाइल तुरंत उस पे जाके अटैक करता है, फ्रंट से भी अटैक करता है और बैक साइड से भी अटैक करता है, जिसकी वजह से आपके सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब ये इस पूरी स्टेप में, पूरी होल प्रोसेस में एनर्जी की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी कहाँ पे निकलती है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इंडोथर्मिक है, इसको हम इस ग्राफ के जरिए समझते हैं। ये ग्राफ एनर्जी और प्रोसेस रिएक्शन का है, यानी कि कितने अमाउंट में एनर्जी इन्वॉल्व होगी और रिएक्शन किस प्रोसेस से होगी, इसको समझते हैं। इस ग्राफ में तीन पॉइंट, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। ये जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक स्टेप फर्स्ट है हमारी, पॉइंट बी से पॉइंट सी स्टेप सेकंड है, और पॉइंट बी जो है वो आपका यहाँ पे जो इंटरमीडिएट रिएक्शन हुई है वो पॉइंट बी है। देखिए, स्टार्टिंग में होता क्या है कि जब हम थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, SN1 में जो सॉल्वेंट होता है वही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, तो जब हम थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं और उसके साथ न्यूक्लियोफाइल उसमें ऐड कर देते हैं, तो सबसे पहले स्टेप्स में आपका कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि सी और सीएल के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। स्लोएस्ट स्टेप है, डिटरमाइनिंग स्टेप है।
ये जो प्रोसेस होगी ये थोड़ी स्लो होगी, प्रोसेस स्लो होगी, और इस प्रोसेस को होने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यानी कि हम बाहर से इसमें एनर्जी देंगे, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप हुआ वो इंडोथर्मिक स्टेप हुआ है, जो ये पहला और ए से बी तक की पॉइंट है वो जो स्टेप है वो इंडोथर्मिक स्टेप है, इसमें हमें बाहर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है ताकि सी और सी एल के बीच का ब्रांड ब्रेक हो। जब सी और सी एल का बांड ब्रेक हो जाता है तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। पहले स्टेप्स में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इस वजह से इसको हम ए और बी को बोलते हैं हाई एक्टिवेशन एनर्जी। पॉइंट ए और बी से जो एनर्जी होती है वो हाई एक्टिवेशन एनर्जी होती है, क्योंकि हमने बाहर से एनर्जी निकाला लगाया, जिसकी वजह से आपका रिएक्शन यहाँ से एक ग्राफ यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ा, क्योंकि एनर्जी ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट करती है, ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ बढ़ा है। यहाँ पे क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यहाँ पे आपकी पॉइंट बी पे आके आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, जब सी और सी एल बॉन्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके ब्रेक हो जाता है तो क्लोराइड आयन की अलग होने की वजह से रिएक्शन में एनर्जी का जनरेशन होता है। यहाँ से जो स्टेप्स इंटरमीडिएट के बाद जो आपका लास्ट स्टेप होता है वो होता है एक्सोथर्मिक, यानी कि क्लोराइड आयन, यानी कि क्लोराइड आयन अलग हो गया और न्यूक्लियोफाइल जब इस पर अटैक किया और आपका प्रोडक्ट बना, तो ये वाला जो स्टेप होता है ये एक्सोथर्मिक स्टेप होता है, यानी कि अब इसमें एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ये वाली स्टेप ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो स्टेप बी में जब न्यूक्लियोफाइल का लोन पेयर अटैक करता है आपके कार्बोकेटायन के ऊपर, तो कार्बोकेटायन से न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है, आपका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इस दौरान एनर्जी हमारी यूज होती है वो वाली क्लोराइड और कार्बन और सीएल के बांड के ब्रेक होने की वजह से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी आपका सेकेंड स्टेप यूज करके अपना सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, यानी कि लेस एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा पॉइंट ए से लेके सॉरी पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक आने के लिए। लास्ट में आपका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि पॉइंट ए से बी तक हम एनर्जी को लगाते हैं, उसके बाद हमारी रिएक्शंस जो होती है वो एक्सोथर्मिक हो जाती है, पहले इंडोथर्मिक रहती है फिर एक्सोथर्मिक होती है। एनर्जी को लगाएंगे तो एनर्जी डिमांड होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, जब बांड ब्रेक होगा तो सी और सी एल के बांड ब्रेक होने की वजह से रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक हो जाती है, तो पॉइंट इंटरमीडिएट से फाइनल प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है बिना किसी एनर्जी को ऐड किए हुए। लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी फर्स्ट स्टेप को करने के लिए रिक्वायर होती है, तो इसी स्टेप्स में जो आपका डायग्राम है वो थोड़ा सा लेस एनर्जी है इस कंपेयर टू इस E1 के कंपेयर टू, यानी कि E1 जो है वो ज़्यादा है E2 से, E1 ज़्यादा है E2 से, ठीक है। तो यहाँ पे होल प्रोसेस आपकी SN1 रिएक्शन काइनेटिक्स की। अब देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को समझाने के लिए यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल ले रखा है, जहाँ पे ये थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड है, थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड है, सेकंड डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये आपकी फर्स्ट डिग्री एल्काइल हैलाइड है, और ये आपकी मेथाइल है, मेथाइल मेथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करते हैं, सबसे पहले होता क्या है SN1 रिएक्शन में, कि सबसे पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि अगर इसी स्टेप को हम लेके चले तो यहाँ से सबसे पहले बांड ब्रेक होगा, क्लोराइड मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा, यानी कि Cl निगेटिव यहाँ से रिमूव होगा, और हमारा कार्बोकेटायन का यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटायन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। कब, जब हम थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड को सोल्यूशन में ऐड कर देते हैं, जैसे H2O में ऐड कर देते हैं थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड को, तो सी और सी एल का बांड ब्रेक होता है तो सी एल अपना अलग हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा
कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि अगर हम थर्ड डिग्री, सेकेंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री और मिथाइल को, तीनों को या चारों को जब हम वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, तो कौन सबसे पहले क्लोराइड मॉलिक्यूल को यहाँ से रिमूव करेगा, कौन सबसे तेज कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा। जो कंपाउंड कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन सबसे तेजी से करता है, वही कंपाउंड सबसे तेज S1-1 रिएक्शन को परफॉर्म करता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे तेज अपना क्लोराइड आयन को डोनेट करेगा आपका थर्ड डिग्री, फिर डोनेट करता है सेकेंड डिग्री, फिर डोनेट करता है फर्स्ट डिग्री। ये क्यों होता है थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड, वो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको डिस्कस किया था। थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड मोस्ट स्टेबल होता है, और क्या क्या इसके अंदर है अगर वो देखना है तो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट स्टेबल जो है वो थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड है। इस वजह से ये क्या करेगा, अपना Cl निगेटिव आयन तुरंत डोनेट कर देगा और कार्बोकेटायन के फॉर्म में हो जाता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन को समझते हैं कुछ पॉइंट के जरिए। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन में पहली पॉइंट है रेट ऑफ S1-1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड की, यानी कि आपकी S1-1 रिएक्शन जो होती है वो एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। यानी कि अगर हम एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन को दोगुना कर दें या तीन गुना कर दें, तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन दोगुना या तीन गुना हो जाएगी। आपकी रेट ऑफ S1-1 रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि S1-1 रिएक्शन की जो रेट है, रेट वो नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियोफाइल की ऊपर। अगर न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन हम बढ़ाएं या घटाएं या कुछ भी करें, उससे इसके रिएक्शन के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेट ऑफ S1-1 रिएक्शन केवल आपके एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे, इसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। दूसरी बात है रेट ऑफ S1-1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंड डिग्री, फिर फर्स्ट डिग्री या मिथाइल। तो रेट ऑफ S1-1 रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का, यानी कि जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। क्योंकि स्टेबल होगा तो आपका यहाँ से लीविंग ग्रुप को जल्दी लीव कर जाएगा, तो आपकी रिएक्शन बहुत तेज़ी से होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसी कार्बोकेटायन की सबसे तेज़ होगी जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी कि थर्ड डिग्री की सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंड डिग्री की, फिर फर्स्ट डिग्री की, उसके बाद मिथाइल की। तीसरी पॉइंट है रेट ऑफ S1-1 रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप टू लीव, यानी कि लिविंग ग्रुप जो है वो कितना जल्दी लीव कर जाएगा, तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। दोनों बात लगभग लगभग सेम ही है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझें तो रेट ऑफ रिएक्शन को, तो देखिए पहले में हम लिविंग ग्रुप को यहाँ पे RCl, यानी कि R और X है, एक में हम R को कांस्टेंट रख के X को बदल सकते हैं, यानी कि R आपका थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड हो, थर्ड डिग्री हो, यहाँ पे X को हम फ्लोरो, क्लोरो या ब्रोमो या आयोडो किसी की चीज़ के जरिए सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और दूसरे स्टेप्स में हम क्लोराइड आयन को, सॉरी आपके एक्स को फिक्स रख के आपके आर को बदल सकते हैं, जो कि हमने ऊपर किया है। ठीक, अब हमें समझना है केवल अगर हम आपके एल्काइल ग्रुप को, आर को फिक्स रख दें और एक्स को बदलने दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मान लीजिए कोई भी है जिसका हमें फिक्स वैल्यू है, तो एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे एफ, यहाँ पे Cl CH3, दूसरा है आर को फिक्स रख रहे हैं हम, फिर यहाँ पे Cl CH3, Cl CH3, यहाँ पे हो गया Br और यहाँ पे हो गया I। चलिए ठीक है, अब इसमें हमें देखना हो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन सबसे तेज किस में होगी, फर्स्ट डिग्री S1-1 रिएक्शन सबसे तेज किस में होगी। अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से हमें ना निकलेगा F, यहाँ से निकलेगा Cl- यहाँ से निकलेगा Br-, यहाँ से निकलेगा I-। तो सबसे तेज
कौन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप जो होगा एबिलिटी लिविंग ग्रुप की लीव कर जाने की, तो सबसे तेज होगी आयोडीन की, फिर आयोडाइड आयन की, फिर है बी आर आयन की, फिर है सी एल निगेटिव आयन की, लास्ट में है एफ आयन की। रीज़न क्या है, आयोडीन जो है इजिली डिसोसिएट होगा सॉल्वेंट में, किसी सॉल्वेंट में ऐड करने पे भी, क्योंकि साइज आयोडीन की बहुत ज़्यादा लंबी होती है, चार्ज डेंसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, मोस्ट स्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन को रखने की कैपेसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में ज़्यादा रिपल्सन नहीं होता है, लेकिन फ्लोरो ग्रुप में उसका सीधा उल्टा होता है। इसी वजह से सबसे तेज अगर लीव कर जाएगा तो है आयोडाइड आयन।